هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كل میں कुछ बातें हमने इस तल्लु से सुना कि आज उम्मत को मनहज सलफ़ की ज़रूरत है जिससे सारे इख्लाफा सारे तनाज़ुआत, सारे झगड़े ख़त्म हो सकते हैं उम्मत की एक आजमत वक़ार वापस आ सकती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, को मनहज को समझा जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर से फ़रमा दिया वकुल बिदअतिन आती हर बिदात गुमराही है जो भी बिदातें दीन के नाम पर की जाती हैं जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा कि मनहज सलफ़ जिससे हम क्या मुराद लेते हैं और कुछ लोग हैं इसको अपनाने की फ़िक्र करते हैं कुछ लोग इस मनहज के बदनामी के दर पर हैं मुख्तलफ़ अखबार में मजलत में इसके ताल्लुक़ से किताबें लिखते हैं और इसके ताल्लुक से ग़लत गलत, गलत बातें कहते हैं जबकि ये वो मनहज है ये वो रास्ता है ये वो तरीक़ा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए छोड़ा है बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मन हूँ मुसलफ़ अरे सलफ़ कौन है वो तो एक जमात है जैसे बहुत सारी जमातें हैं उसमें कोई ख़ास उनको इम्तियाज़ी शान हासिल नहीं है और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अल्लाह ने हमको मुकल्लफ़ नहीं किया है हम पर ये बोझ नहीं डाला है कि हम सलफ के तरीके पर चलें और बाज ये कहते हैं कि सलफ का जो मनहज है वो बहुत पुराना है आज के जमाने के साथ साथ ये चल नहीं सकता जैसे वो कहते हैं मायसिहामानसम और कहते हैं कि पहले जमाने में वो मनहज चलता था लेकिन आज के जमाने में नहीं चलेगा तो आज के ज़माने में हम इस बात के मुकल्लफ़ नहीं हैं कि सलफ़ मनहज को अपनाएँ उसके मुताबिक चलें जबकि हम ये मानते हैं कि मनहज सलफ़ हर ज़माने के लिए हर वक्त के लिए हर जगह के लिए मुनासब है इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ़ से एक नूर है ऐसे लोगों की बातें हमको तंगदिल न करें जो इस मनहज को नहीं समझते हैं इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं ما आखिर दिल الذي असल्लाहादी असलह यानी ये आखिरी उम्मत उस चीज़ पर चल कर ठीक हो सकती है जिसको अपना कर जिस पर चल कर पहले लोग ठीक हो सकें वो क्या है वो क्या चीज़ है किताब व सुन्ना वो अल्लाह ताला की किताब है और सुन्नत है सुन्नत अल्लाह के नबी वसल्लम की मुताबात है बिल कुरान अलामलुबिलक़ुर वामुबिलसन्ना क़रन पर आमल हो सुनत परमल हो जिस पर चल कर हम आखिरत को पा सकते हैं अल्लाह की जन्नत को पा सकते हैं हम से पहले जो लोग थे अनसार की जमात महाजरीन की जमात और बदरी साहबा और जितने सहाबा अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ थे इन्होंने इन दोन दोनों चीज़ों को लेकर दुनिया के अक्सर हिस्से पर अपनी ममलकत जमाई अल्लाह ने दुनिया का अक्सर हिस्सा उनके हवाले किया तो इसीलिए कहते हैं पमन अवाद नजात ही मारिफतमद हबलफ़ अगर कोई नजात चाहता है तो वो सलफ़ के तरीक़े को जाने सलफ़ के मनहज को जाने सलफ़ कोई अनजानी चीज़ हमारे लिए नहीं है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सलफ़ से मुराद वही है अनसार और करामसारहाज्रन अल्लाह के नबी वसल्लम और सहाबा तबिन तब तबीन क़ुर उला पहले लोग जिस रास्ते पर थे उसी अक़ीदे को लेकर हम चलते हैं वही सलफ़ हैं और ये नजात का रास्ता है और इसीलिए कहा तून मन रखी बहा नजा। ये नू आलाम की कश्ती है इस कश्ती में जो चढ़ेगा वो बच जाएगा आज भी हम सारे मुसलमानों से कहते हैं जो इस मनहज से बाहर हैं आप इस मनहज को अपनाइए इन तूफानी चीजों से आप बच जाएंगे इन चीजों से आप बन जाएंगे ये चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी तो इसीलिए कहते हैं वल किताब व सुन्न व तरीक व सफ़ीन तूहिन सफी तो नोिन मन रखी बहा नजा वन तर कहा वन तर कहा हलक यानी जो शख्स मनहज को छोड़ेगा मनहज सलफ को छोड़ेगा वो डूब जाएगा गुमराहियों में डूब जाएगा जो मनहज सलफ को छोड़ेगा इसीलिए कहते हैं फला नजा तलाना इल्ला बी मजहबी सलफ नजात चाहते हो तो सलफ मनहज सलफ को अपनाओ क्या करो मनहज सलफ को अपनाओ युमकिन, ठीक है अरे बात बात पर हम ये कहते हैं कि मनहज सलफ मनहज सलफ़ कोई चीज़ नहीं कि आप किसी दुकान से खरीद लें किसी होटल से खरीद लें जैसे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं मनहज सलफ़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो कहा मनहज सलफ़ उसको अपनाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा इल्ला आप उसे सीखें कितनी बातें हमने सीखी हैं कितनी बातें हमारे सामने आई फुला फुला चीज़ें मनहज सलफ़ में से नहीं हैं तो जब तक आप मनहज सलफ़ को नहीं जानेंगे आप उससे कैसे अपनाएंगे उसे कैसे आप इख्तियार करेंगे उसके गैर मुत्लक़ चीज़ों से कैसे बचेंगे अब ज़बान से मैं हज़ार बार कह लूँ मैं सलफ़ी हूँ मजहब सलफ़ पर चलता हूँ अगर कोई पूछ ले कि शेख साहब मनहज सलफ़ किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे अरे कुछ भी नहीं मालूम मैं उस पर चलता हूँ अरे आपको मालूम तो होना चाहिए ना, ना ही नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम बोला ऐसी बात नहीं होती देखिए आप उसे सवाल करें आप उसे सीखें उलमा से पूछें अल्लाह ताला से हिदायत तलब करें हर नमाज में हम अल्लाह ताला से हिदायत तलब करते हैं एह देना सरातलमस्तकीम सेरातीना नाम तो गैरमकदूब आलदीन यही मनहज सलफ़ है कि अल्लाह ताला ने उस मनहज पर चलने वालों के लिए अल्लाह ताला ने इनाम किया देखिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तोफ़ीक दे और मनहज सलफ़ पर हमें चलाए रखे तो लई मस दावा ये सिर्फ़ क्लाइम करना दावा करना नहीं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ही अकेला दुनिया में रह गया हूं जो मनहज सलफ़ पर हूं। सारे क्या हैं मनहज सलफ़ से ऐसा नहीं बोल सकते आप पहले उसे सीखें मनहज सलफ़ के उसूल और कवानीन और जवाबित को अपनाएं इसको आप कर इसीलिए कहते हैं व दावादीम अलह बना दावा कोई भी दावा है कोई भी आप दावा करते हैं उस पर आपके लिए दलील नहीं है तो फिर वो दावा बेकार है आप सिर्फ अपने आप को जोड़ लें कि मैं भी सलफी हूं सलफ मनहज पर हूं तो ये दावा गलत है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा वल्लिन कियामत तक आने वाले जो अल्लाह के रसूल सहाबा तबेन तब तबीन को फॉलो करें वो सब इसमें शामिल हैं. वल्लिन तब में इंक्लूड ये सब लोग आ जाते हैं आप और मैं लेकिन शर्त बे एहसान आप फॉलो कर रहे हैं बेतकान यानी पूरे के साथ आप सहाबा के तौर तरीके पर चल रहे हैं आंख बंद करके जाहिल बनकर नहीं पूरी आगाही के साथ आप चल रहे हैं बे इतकान मजहब मनहज सरफ कब आप जान सकेंगे जब आप उसे समझेंगे हाँ आप उस पर चलते हुए सब्र करेंगे सिर्फ दावे ये आपको उसकी तरफ नहीं ले जा सकते हैं जैसे अल्लाह के नबी नबीसम से अल्लाह के नबी नबीसम ने कहा था कि इस उम्मत में कई फिरके आएंगे बहत्तर फिरक़े वो लोग बढ़ गए वो लोग और एक ही फिरका जन्नत में जाएगा तो सहाबा कराम ने पूछा मन ही या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबीम वो कौन हैं तो अल्लाह के नबीसम फरमाया मन का जो मेरे रास्ते के मुताबिक चलेगा आज हमको मालूम नहीं है पाँच वक्त नमाज की पाबंदी सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है हम लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनकी नमाजें कभी खजा हो जाती जिनकी नमाजें कभी छूट जाती हैं अल यादबिल्ला बिर हम मनहज सलफ़ पर कहाँ हैं मनहज सलफ़ पर ये नहीं है कि आप बस टखने से ऊँचा कपड़ा पहन लीजिए बड़ी टाड़ी रख लीजिए हन्हज सलफ़ ये भी है कि आप ज़ाहिर जब जैसे दिखते हो मामला में आप ऐसे हों आप अपने बिजनेस में अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने मस्जिद में दोस्त अहबाब के साथ आपका ताल्लुक हो लोग आपको देख कर कहें कि वा, वाकई ये सलफ़ी है और सहाबा के पर जीने वाला इंसान है तो इसीलिए कहते हैं आगे इन्होंने कहा जन्ना। ये जन्नत का रास्ता है जो लोगों को जन्नत तक पहुंचाता है और इसके अलावा जितने रास्ते हैं वो आदमी को गुमराही की तरफ ले जाते हैं इसीलिए अल्लाह कुरान मजीद में कहा अल्लाह का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्तों की तरफ मत जाओ ये तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराते हैं देखो दुनिया में बहुत सारे गलालत और गुमराही की तरफ ले जाने वाले आएंगे और ये लोग तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगे आज है नहीं है कितने टीमें हैं आज नहीं हमें मस्जिद से बाहर निकले तो कई टीमें हैं उन्हों अपनी तरफ बुलाते उन्हों अपनी तरफ बुलाते कभी कभी शकीब परेशान हो जाती है किधर जाना समझ में नहीं आता हूँ नहीं लेकिन आदमी क्या करे अल्लाह ताला ने अकल दी है अकल के मुताबिक क्या करे आदमी काम ले खैर और शर को पहचाने अल्लाह ताला से दुआ करता रहे और चली हम ये समझते हैं कि सारे जितने गुमराह करने वाले हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं बोलते हैं कि अरे पक्के हम लोग तो बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान हैं पक्के मुसलमान है। और वैसे कहते हैं और अगर वो उनका इस्लाम अल्लाह के रसूल और सहाबा के तरीक़े के मुताबिक है तो सर और आँखों पर हम मानने को तैयार हैं लेकिन उनका मुसलमान सिर्फ़ नाम है उनका तरीक़ा अलग है फुला के मनहज पर चलते हैं फुला सूफी के मनहज पर चलते हैं फला कबर परस के मनहज पर चलते हैं तो ये ऐसे लोग हैं जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं और मुसलमान कहते हैं सिर्फ इंतसाब के लिए नाम लगाया टाइटन उन्होंने लेकिन आखिर वैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों के पीछे आदमी नहीं जाएंगे तो देखिए इसीलिए आखिर में उन्होंने लिखते हैं वलिदली के तजून यह हतम बिलदा इसीलिए नेक़ीदे पर बहुत काम किया पर अहतमाम किया उसके अबाब बनाए उसके फसूल मसाइल बड़ी बड़ी किताबें अकीदे पर लिखीं लोगों को अक़दा पढ़ाया ताकि लोग मनहज मनहज सलफ़ को जानें मनहज सलफ़ क्या है उसे जाने इसीलिए वो कहते हैं आज कितने ऐसे लोग हैं जो इल्म का दावा करते हैं लेकिन उनके पास न तो सही मनहज है सही तरीक़ा है न वो मनहज सलफ़ को जानते हैं बस उनके दावे बेकार हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, बिसुन्नती मेरी सुन्नत के मुताबिक चलो व सुन्नतलफ़ा राशिदीन अलमहद खलफा राशिदीन जो हिदायत पर हैं उनके रास्ते पर चलो मेरे बाद तमस्को भी हा वू अलै बिन नवाजिद और उसको मज़बूती के साथ पकड़ लो इसलिए कि मेरे बाद जो ज़िंदा रहेगा बहुत ज़्यादा इख्तलाफ वो देखेगा तो अल्लाह ताला का फजल व करम है कि आप लोग के साथ बैठते हैं अच्छा अकीदा सीखते हैं ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम और करम है तो आज का ये ज़माना आज के ज़माने में ज़रूरत इस बात की है जैसे शेख यहाँ लिखते हैं फनहनु बिहाजत मासा आज फितनों का ज़माना है वक़तरा दुआति ज़लाल गुमराह दाइयों की भरमार है हा? मैं ताज्जुब करता हूँ एक एक अगर छेड़े तो उनके पास इतने स्पीकर्स की लिस्ट रहती किसका मैं वो उस्ताद वो उस्ताद वो उस्ताद ये उस्ताद कहाँ के उस्ताद है मुझे नहीं मालूम मैं इन इनके वीडियोस देखते हैं तो अगर आप माने कि वाकई अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक बात कहते हैं तो आप देख सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं उन्होंने से पढ़ा है तो उनके आप देख सकते हैं लेकिन पहले जाँच लें इसलिए कि दीन है वक़ रतुलवसातर बैनास आज ऐसा है बहुत ज्यादा ऐसे वसाइल हैं जो लोगों के दरमियान बुराई फैलाते हैं वसाइल से फीबुती एक सेकंड के अंदर लोगों की गलत बातें आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। कोई भी आदमी गलत आकीदा गलत बात फैलाना चाहता है तो उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बस एक मैसेज लिखे और फॉरवर्ड कर दे बस लोगों में फैल जाता जैसे अब्बास हम लोग कहते हैं फुला हज़रत ने ख़्वाब में देखा इतने ख्वाब पड़ते हैं आज के रातों की नींदों में कभी ख्वाब भी आता है लोग ख्वाब देखते हैं पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखते हैं तद उल इबाहिया इबाहिया बाज़ लोग फ़र्क भी मिटा देते हैं अब मैं एक जगह पढ़ा कि वो कुत्ते वाले इंसान वो वो ऐसा सिटी है जिसमें सारे इंसान कुत्ते बन गए वो नीचे पाँव से चलते हैं आँ एक ने तो लाखों रुपए खर्च किया अपने आप को कुत्ता बनाने के लिए बोला अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया तू क्यों कुत्ता बन रहा है बोला तो उस सिटी में पूरे कुत्ते वाले इंसान हैं मैं रिपोर्ट पढ़ के बड़ा ताजुब हुआ अरे अल्लाह इंसान को कैसे मुलाकद कर रम ना बनी आदम व हम अल्लाह ताला तो कहता है कि हमने इंसान को इज़्ज़त दिए कुत्ता बन रहा है हालांकि कुत्ता नजीसी आयन है वो किसी बर्तन में मुंह डाले तो सात मरतबद होना चाहिए हा? तो ऐसे आज नए नए लेज जमाने के हैं अभी एक और एक फिक्रा हमारे पास आया है नो जेंडर क्या जेंडर नहीं औरत भी नहीं मर्द भी नहीं टी भी नहीं क्या भी नहीं क्या इन कुछ मालूम बोला ऐसा कैसा होता है अल्लाह कुरान तो कहता है कि कुरान ने अल्लाह ताला ने जकर उन था अल्लाह ताली ने दो चीज़ें पैदा की हैं और जो बीच के होते हैं वो भी परसेंटेज के हिसाब से वो मर्द की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होता है या औरत की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है उसी हिसाब से विरासत में उनका हिस्सा होता है बरक आज एक नए नए जमाने के अफकार हैं जो नौजवानों को गुमराह करने के लिए उनकी उनके जज्बात का गलत फ़ायदा उठाने के लिए हर दिन नई नई टीमें नई नई जमातें वजूद में आती हैं तो इसीलिए यहाँ शेख लिखते हैं फरीकतुलसलफ असलम व आलम व अहकम मिन तरीक़तिल तरीकलफ सलफ़ का जो तरीका है बाद में आने वालों के तरीके से ज्यादा सलामती वाला ज्यादा इल्म वाला ज्यादा मजबूत है इल्म साफ इमिन किताब व सुनना सलफ़ का जो इल्म है वो किताब व सुन्नत से लिया गया है वल फी ही दखील अबके लोगों का जो इल है वो दूसरी किताबों से भी लिया गया उसमें क्या है मिक्स हो गया कुरान सुन्नत सिर्फ नहीं है उसमें बुजुर्गों के अखबाल हैं अब के लोगों को आप अबके मुफ्ती को आप कितना भी कुरान की आयत बोले वो आखिर में क्या बोलेगा हमारे मुफ्ती साहब ऐसा बोले वही बोलते है। उसके हैं उसके बाद वो लिखते हैं फीलतुलर आज के ज़माने में ऐसा है बहुत सारी चीज़ें मिला दी गई हैं लेकिन सलफ़ का जो इल्म था वो ऐसा नहीं था इसीलिए इब्न रजब रहमतुल्लाह अपनी किताब फ़जुललफ अलामिलखल यानी सलफ़ का जो इल्म था उस वो फजीलत वाला था बाद में आने वालों के इल्म पर वो कहते हैं असलफ़ कलामहम कलील पहले के जो लोग थे वो कम बोलते थे इसीलिए उनके खुतबे कितने होते थे जुम्मे के बीस मिनट पंद्रह मिनट अब कितने होते हैं चालीस मिनट डेढ़ घंटा कल एक सवाल मैंने पढ़ा शेख फौजान से किसी ने सवाल किया हफिजुल्लाह से कि एक आदमी जुमा लंबा हुआ तो उठकर चला गया वो उठकर चला गया अब गुनाह किसे होगा तो जुम्मा एक उसकी एक टाइम होता है ना लोग अपने ब्रेक में आते हैं खाने का ब्रेक होता है बच्चों के कॉलेज और स्कूलों का कॉलेज का ब्रेक होता है एम्प्लॉज़ का ब्रेक होता है वो चाहते हैं छोटा खुतबा हो सुन लें फिर वो एक घंटा तो होता है ट्वेल्व टू वन वन टू टू हाँ तो उसी में वो लोग आते हैं अब अगर कोई एक घंटा एक चार एक घंटे से भी एक घंटा तो मैं कम अज़ कम कह रहा हूँ अब तो ख़ुतबा डेढ़ घंटा भी होता है हम अल्लाह जाने वो क्या बोलते हैं डेढ़ घंटे में हाँ, हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं डेढ़ घंटे में वो क्या बोलते हैं तो इसीलिए यहाँ इबन रजब रही लिखते हैं कि असलफ़ कलामहम कलील सलफ़ जो होते थे उनकी बात बहुत कम होती थी वम गज़ीर उनके पास जो इल्म था सलफ़ के पास वो बहुत गहराई वाला इल्म था कोई भी मसला आएगा बड़ी गहराई के साथ उसे करेंगे. वल वलखलफ कलाम कसीर खलफ ऐसे हैं बाद में आने वाले उनकी बातें ज्यादा हैं. बकू बहुत बोलेंगे एक एक आदमी डेढ़ घंटा तकरीर करेगा उसे आप निचोड़ेंगे तो उसमें क्या भी नहीं रहेगा मैं उधर जा रहा था मैं जब उधर से गुजरा मैं जब वहां जाने लगा अरे गए तो गए क्या हुआ बोलो ना तो अब जाते जाते पंद्रह मिनट हो जाते हैं ले जाते जाते कितने हो जाते हैं पंद्रह मिनट हो जाते हैं तो कहाँ कि सिर्फ लफावी होती है अलफाज के पेचों में उलझते नहीं दाना देखिए वह हम कलील इनका जो इल्म होता है वो बहुत कम होता है लेकिन अल्फाज इनके ज्यादा होते हैं तो आ, कभी हमारे बच्चे भी धोखा खा जाते हैं ज़्यादा लंबी तकरीर करने वालों आह क्या बोले क्या बोले तुम्हें सुने तो ना तुम्हें सोते थे तो असल में टाइम कैसा जाता मालूम नहीं होता लंबी तकरीर तो सो जाते हैं सोकर उठने के बाद मालूम अच्छा अभी खुदबा चलने को अच्छा मैं सो उठा था तो अजीब हमारा मिजाज है तो इसीलिए कहते हैं आखिर में शेख ने लिखा है कि पला तब हिहादर हादा हुआ हादा हुआ मनहजुलसलफ़ यही मनहज सरफ़ है अलदी ला नजात लना इल्ला तलना बलई इसी मनहज सलफ़ पर चलकर हम नजात पा सकते हैं वब्र आल हिबाद अनारफ़ व वनतअालम अल फ़रीक़त सही कैरलमजवरा वमिस तो सलफ़ का जो मनहज है उसको सही तरीक़े से जानने की कोशिश करें इसमें जो मिलावट आ गई है उससे बचने की कोशिश करें और साथ साथ कहते हैं कि आखिर में उन्होंने यहाँ एक बात कही है आ कहते हैं फी ही अशिया उन सलफ़ के मनहज में बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मिला दी गई हैं जो उसमें से नहीं है जो हमने सुना पूरी किताब हमने पढ़ डाली पूरी किताब हमने पढ़ डाली इन शासी से दूसरी किताब हम पढ़ेंगे हाद ही कलीमतरा फी हादलो शेख आखिर में लिखते हैं कि ये चंद बातें थीं जो इस मौजू के ताल्लुक़ से थी और सारी बातों का अहाता हम नहीं कर सके लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने यह बात कही है वज़िर फा ना तन फ़ामिन आप नसीहत कीजिए नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती है फ़क्खिरफाति क़रा आप नसीहत कीजिए नसीहत फ़ायदा देती है सैज रख और उमशा नसीहत वही हासिल करता है जो अल्लाह सुबहान डरता है अल्लाह ताली मुझे और आपको खैर के काम पर चलाए रखे अल्लाह ताली ख़ैर से मुझे और आपको मुस्फ़ी करता रहे आमीन असलम आलकमल बरकता